मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। जिस तरह से मुमरा शहर के अंदर दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति थाने महानगर पालिका की वो कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण पर, जैसे कि जमीन दोष, कई बिल्डिंगे दीवा प्रभाग समिति में जमीन दोष की गई, मुमरा प्रभाग समिति में भी जमीन दोष। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि जब ये बनती है उस वक्त ये महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कहाँ रहते। हम हमेशा से कहते आए हैं कि बन गया तो उसको तोड़ने का नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ने का नहीं। उसकी जिम्मेदारी है मौजूदा कमिश्नर महानगर पालिका के अभिजीत बांगर जी की। जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीवा शहर के अंदर 100 से 150 स्लैब रोज होते हैं, यानी कि जीती के। अब मुमरा शहर के अंदर और दीवा शहर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बहुत ही बदले की भावना, ऐसा लोग बता रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र शासन के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे जी से कि मुमरा और दीवा के अंदर जो बदले की कार्रवाई हो रही है वो ना हो। यदि कार्रवाई होती है मुमरा शहर के अंदर तो दीवा शहर के अंदर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि दिखावे की कार्रवाई हो। हम मुमरा शहर के लोग और दीवा शहर के लोग दोनों ही आपके लिए बराबर है। हम दोनों शहर को मान सम्मान मिलना चाहिए बराबरी का, ना कि मुमरा शहर को तोड़ दिया जाए, दीवा शहर को छोड़ दिया जाए। किस तरह से मुमरा प्रभाग समिति में और दीवा प्रभाग समिति के अंदर कार्रवाई हो रही है, कल्याण फाटा से लेकर मुमरा तक जमीन दोष किया जाता है, कार्रवाई हो तो बराबर की हो। मुमरा को तोड़ दिया जाए, दीवा को छोड़ दिया जाए, ऐसा ना हो। हमारी सीएम एकनाथ शिंदे जी से रिक्वेस्ट है, ये भी शहर जो है मुमरा वो भी आप ही का है, दीवा शहर भी है वो भी आप ही का है, फैसला आपके हाथ में है। किस तरह से कार्रवाई हो रही है आइए देखिए हमारी इस खबर में। Ha ha ha.